फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर पैंट कैसे बनाया लड़कियों के लिए। तो देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है पैंट का, तो देख सकते हैं इस तरह से इसमें हम पैंट बनाएंगे। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पैंट की कटिंग बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग बताऊंगी आपको इसमें। तो देखिए, हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है लंबाई में इस तरह से, तो देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डबल फोल्ड हो गया। इसे हम एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और देखिए, हमें इसकी जो लंबाई लेनी है वो हमारी 32 इंच है और इसकी जो कमर है वो हमारी 24 है। तो पहले हम इसकी लंबाई लेंगे इस तरह से 32 इंच। ऊपर हमारा नेफा भी आएगा, तो हम नेफा ऊपर इसी में फोल्ड करेंगे, हम अलग से नेफा जॉइंट नहीं करेंगे। तो इसमें हम मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा, तो देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से 36 इंच ले लेते हैं। इसमें हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा और ऊपर हमारा नेफा लग जाएगा इसमें इस तरह से। नीचे हम थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे जिससे कि लुक बहुत ही प्यारा आएगा। और देखिए, नीचे से जो नीचे की जो मोरी लेंगे वो हमारी देखिए इस तरह से 6 इंच ले लेते हैं मार्जिन के साथ। देखिए इस तरह से, तो देखिए अब हम कमर पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमें फोल्ड फोल्डिंग में 6 इंच लेना है, तो हम एक्स्ट्रा लेंगे से हम ये 8 इंच ले लेते हैं। इसमें हमारा सिलाई में भी चला जाएगा आसन पे, इस आसन की लंबाई लेंगे हम। देखिए, 2 इंच हम ऊपर ले लेते हैं नेफा के लिए और बाकी का हमारे यहां से 11 इंच ले लेते हैं। देखिए, टोटल हमारा ये 13 इंच हो गए। इसमें हम बुलाई देंगे इस तरह से, और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 9.5 इंच ले लेते हैं। और यहां से इसमें इस तरह से गुलाई देते हुए शेप देंगे इसमें। देखिए इस तरह से, अब इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसके हम दोनों साइड से आसन ज्वाइन करेंगे, फिर हम नेफा तैयार करेंगे और फिर नीचे फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम साइड में फिटिंग देंगे दोनों साइड। देखिए, अब इसका आसन ज्वाइंट कर लेते हैं पहले हम इसका। देखिए, हमने आसन ज्वाइंट कर लिए, अब नेफा बनाएंगे। तो इस तरह से हम नेफा फोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा सा हम गैप रखेंगे यहाँ पे जिससे कि लास्ट में डाल सके हम। देखिए, मैं नेफा लगा लिया, अब नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए इस तरह से, यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं।
देखिए नीचे मैंने फिनिशिंग दे दी है, अब साइड में हम फिटिंग दे देंगे। देखिए हमारा पैंट पूरा तैयार हो गया, हमने देखिए लास्टिक भी डाल दिया इसमें, इस तरह से हमने आसन भी ज्वाइन कर लिया है, हमने नीचे फिटिंग भी दे दी है, और देखिए हमने देखिए यहाँ पे इस तरह से मोहरे भी तैयार कर लिए। तो आप इस तरह लुक हमने नीचे फोल्ड किया है चौड़ा इस तरह से, जिससे कि हमारा पूरा तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा लुक है हमारे पैंट का। तो आप देख सकते हैं, तो आप इस तरह से ये सुंदर सा पैंट बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी।